यह भी दर्ज करते हैं अध्यक्ष कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या सदन में देश को पता चले। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे, सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखल अंदाजी दे रहे थे, आपको आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए MP बेदखल किया, ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है, वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है, तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की नहीं। जो पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया, और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है, और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं।